हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया 1। तो ये आप लोगों का 5th सेमेस्टर का होने वाला है सोल में, ठीक है, और आप लोगों का 6th सेमेस्टर में होने वाला है रेगुलर में, ठीक है। तो आप लोग सिंपली आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट कोड है वो आप लोग एक बार मैच कर लेना, और आप लोगों का सब्जेक्ट पेपर मतलब कौन सा है वो आप लोगों का सेम होने वाला है। बस आप लोगों का कोड जो होगा वो चेंज हो जाएगा 5th सेमेस्टर सोल वालों के लिए और 6th सेमेस्टर रेगुलर वालों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को आंसर चाहिए इसी क्वेश्चन के, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके अपना आंसर PDF परचेस कर सकते हो। तो जाओ अपना आंसर PDF परचेस करो, या फिर आप लोगों को आंसर PDF वीडियो चाहिए तो आप लोग बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरे को हमें वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों को आंसर की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा इसी चैनल पे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं अपना पहला क्वेश्चन देखना। तो डिस्टिंग्यूश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इस क्वेश्चन में ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि फिजिकल कैपिटल और फिर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, डिस्कस ब्रीफली द प्रोग्राम अंडरटेक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इलेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बताने हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में आप लोगों को डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि सर्विस सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी में कैसे इम्पोर्टेंस है, वो आप लोगों को बताना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप लोग क्या समझते हो, वो आप लोगों को बताना है। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि आप लोगों को फैक्टर बताने हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है रूल, और फिर आप लोगों का टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि आप लोगों को रिलेशनशिप बताना है पॉपुलेशन और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डेमोग्राफी ट्रेंड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि डेमोग्राफी कैसे इंडिया में ट्रेंड हुआ स्वतंत्र होने के बाद, ठीक है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर इन इंडिया, मतलब कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण है इंडिया में, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल निभाते हैं, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट में कैसे रिलेशन है फाइनेंशियली, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेमोक्रेटिक एंड फॉरेन मींस थ्रू विच इंडिया प्लानिंग प्रोसेस इन फाइनेंस्ड, डिस्कस इन डिटेल, मतलब कि आप लोगों को डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्लानिंग क्या है इंडिया में, वो आप लोगों को फाइनेंशियली तौर पे वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द ट्रेंड ऑफ द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर्स, व्हाट हैव बीन द प्रोबेबल रीजन एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू रिवर्स सच ट्रेंड,
ओके इसमें आप लोगों को सिंपली मतलब कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो भी आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी में वो आप लोगों को रिसेंट ईयर में जो हुए हैं वो आप लोगों को बताना है, और उसके क्या क्या रीजंस है और इम्पैक्ट क्या पड़ा है उनका, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूरा ब्रीफली डिफाइन करना है। ओके उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी मतलब बीमारी है वो आप लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो आप लोगों को बताना है। डिस्कस द मेजर अंडरटेक बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो आप लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कैसे चेक कर रही है वो भी आप लोगों को इसमें बताना है। ओके उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नेसेसिटी द फीचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडरटेक इन द इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, मतलब कि 1991 के अकॉर्डिंग आप लोगों के इंडियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ओके उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या क्या फीचर है वो आप लोगों को बताना है। कुड इंडिया बी कैरेक्टराइज एज एन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमिक, मतलब कि अंडर डेवलप्ड और इकोनॉमिक सॉरी डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया में वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। अब यहाँ पे आ चुके हैं आप लोगों के पास कुछ शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स आप लोगों का क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ओके मेन्यूज टू इंडिकेट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या है टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बताना है। टू लिमिटेशन ऑफ GDP एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके नेक्स्ट क्या है आप लोगों का मेंशन टू कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ओके अर्बनाइजेशन के दो कारण बताने हैं। ओके उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्या है रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन पोस्ट लिबर्ड इंडिया। इसका नेक्स्ट क्या है आप लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या समझते हो। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का ह्यूमन कैपिटल क्या है। ओके उसके बाद आप लोगों का इकोनॉमिक से आप लोग क्या समझते हो, और आप लोगों का नेक्स्ट क्या है एक्सट्यूम्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसके आप लोगों का एग्जांपल देना है। सेविंग से आप लोग क्या समझते हो, सेविंग को डिफाइन करो। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। उसके बाद आप लोग सर्विस सेक्टर का एक एग्जांपल दोगे यहाँ पे। उसके बाद इनइक्वलिटी क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। उसके बाद पॉवर्टी लाइन क्या होती है क्या समझते हो उससे वो आप लोगों को बताना है। HDL का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है इस वीडियो में हमने पूरा क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर आंसर PDF चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके अपना आंसर PDF आप लोग परचेस कर सकते हो। अगर आप लोगों को आंसर वीडियो चाहिए तो आप लोग बस कमेंट में बता देना मेरे को, मैं आप लोगों को आंसर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जैसे ही मैं आंसर वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड में शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। थैंक यू।